पहुंच गया यार, आपने देखा ही होगा नालियाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। ये जो मंदिर है, ये मंदिर का मेन गेट है, इतनी ज़्यादा ठंडा पानी था ना, सोच भी नहीं सकते। मैं बड़ी मुश्किल से नहाया हूँ, मैं क्या पता वीडियो ज़्यादा लोग देख ले, कंटेंट अच्छा मिल जाए, इसीलिए नालियाँ, नहीं तो ना नहाता मैं। अब देखते हैं वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं। ठंडे पानी में नहा तो लिया हूँ मैं। यहाँ भी देखो, ये जो मंदिर के बाहर जो दो कुंड है ना, ये कुंड भी बिल्कुल देखो बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर चल भी सकते हैं, इतनी हार्ड बर्फ है। दोनों जो कुंड है बिल्कुल जमे हुए हैं बर्फ बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है रात को। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी देख लो आप, मैं सीधा टी शर्ट में हूँ, नीचे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना यहाँ तक कि स्वेट शर्ट भी नहीं डाली है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। नहाया था तब एक बार, लगी थी, लेकिन उसके बाद नहीं लग रही है, क्योंकि सूरज जो है वो काफ़ी तेज़ है। देख लो, ये मंदिर है और PCR रिपोर्ट की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं भी PCR रिपोर्ट चेक नहीं की। मैंने सही किया, PCR रिपोर्ट नहीं करवाई, नहीं करवा लेता तो 2000 रुपये बेफालतू में वेस्ट हो जाते। ऐसी मैंने कहा था ना, इनको खुद को ही नहीं पता है कि PCR रिपोर्ट करवानी है या नहीं करवानी। अभी वहाँ ऊपर एक और मंदिर है, वहाँ उस मंदिर में जा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, थोड़ा कुछ खाना पीना करेंगे और देखूँगा कि कैंपिंग करें या होटल लें। देखते हैं, ट्राई करूंगा कैंपिंग करने की, अगर हो सका तो ज़रूर कैंपिंग करूंगा। टेम्पल को छोड़कर, मुक्तिनाथ टेम्पल को छोड़कर यहाँ नरसिम्हा गुम्बा, मतलब नरसिम्हा मोनेस्ट्री में आया हूँ। यहाँ के लोग मोनेस्ट्री को गुम्बा बोलते हैं। बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, इतनी साफ़ है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सफाई है यहाँ पर, बहुत बहुत ज़्यादा, इतनी शांति और इस लोकेशन पर ऑसम। अभी बस यहाँ से निकलते हैं, एक दूसरी साइड मंदिर और है, फिर वहाँ विजिट करेंगे और फिर हम वापस नीचे मुक्तिनाथ में चले जाएंगे और फिर पता नहीं क्या करेंगे। आप बताओगे कि ये मोनेस्ट्री कितनी पुरानी है? This one monastery 1200 year old. 1200 1200 साल पुरानी। 1200 साल पुराना इंसान इतनी चू है ना, बहुत पुराना है। आप कितने साल? अच्छा, वो अंदर स्टैचू है, वो गुंबद न्यू है, ये बाद में बनाया है, बाद में बनाया है। ठीक है, और आप कितने साल से रह रहे होंगे यहाँ? 40 साल हो गया। 40 साल से। अच्छा, इनका जन्म यही हुआ है? जन्म ये नहीं, डोलबा। अच्छा, कल के नहीं, क्या पता हो यहीं रहते हो? यहाँ रहते हैं। हाँ, तभी पूछा मैंने। हमको इसमें नान आते ज़्यादा नौका ककर मान रहे हैं। नेपाली नहीं आती है, मैं इंडिया से हूँ, हिंदी। हमको नहीं, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता, ज़्यादा नहीं। तो आप ये बताएगा ना मेरे को हिंदी में,
आपने क्या बोला इन्होंने नेपाली में? काठमांडू में रहते हैं अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा कम है, काठमांडू ठीक है ठीक है। ज्यादातर अच्छा ज्यादातर लोग काठमांडू में रहते हैं। ठीक है ठीक, काठमांडू में बहुत बड़ा बड़ा गुम्बा है ना, इधर छोटा है ना, हमारे ककार मानन बहुत छोटा है, 12 है। पैसा लेने जानो जैसे कि अभी इन्होंने बताया ना कि मोनेस्ट्री 1200 साल पुरानी है, 1200 साल बहुत हो जाते हैं यार, 1200 साल बहुत सुंदर बनी हुई है, इतनी सफाई है और काफी ज्यादा सुंदर है। अभी यहाँ से निकलते हैं, बस नीचे जाएंगे। अब इन्होंने प्रसाद में हमें ये किन्नू दिया है, अब नीचे तो क्या जाएंगे, एक ना उस साइड मंदिर और है जहाँ बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है, वहाँ जाएंगे फिर निकलते हैं। मेरे को ऐसे लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर इनसे बात करो तो इनको भी खुद को भी खुशी होती है। ये जो थे ना अभी जिनसे मैं पूछ रहा था कि कितनी साल मोनेस्ट्री है, तो ये यहाँ के पुजारी है, यहीं रहते हैं। और वहाँ ऊपर देखो आप, ऊपर भी आपको देखने को काफ़ी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, और काफ़ी ऊपर तक ये जो बुद्ध धर्म का साइन होता है ये बांध रखे हैं ऊपर तक। काफ़ी सुंदर है। बस हम निकलते हैं यहाँ से और वो मंदिर विजिट करते हैं। यार अब बहुत थक चुके हैं, क्योंकि कल रात को 9 बजे चले थे, सारी रात नहीं सो पाए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो रोड थी इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि बस ऐसे 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 हिल रही थी, तो वहाँ बिल्कुल नींद ही नहीं आई। और यहाँ पहुँचे हैं 10:30-11 बजे, और 11 बजे पहुँचे हैं, तो उसके बाद सीधा यहाँ पर ट्रैक करके यहाँ आए हैं, तो बहुत थक चुका हूँ। अब थोड़ी देर में जाकर नीचे वो टेंपल विजिट कर नीचे जाऊँगा, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सोऊंगा, अच्छी नींद मारेंगे, फिर रात को देखते हैं अगर बोनफायर हो सका तो बोनफायर करेंगे। यहीं पास में है बिल्कुल मुक्तिनाथ के अंदर ही, लगभग 2-3 मिनट की वॉक में सभी वो गांबा मोनेस्ट्री भी 2-3 मिनट की वॉक पर है, और ये टेंपल भी 2-3 मिनट की वॉक पर है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब कि कोई नहीं है यार। कोविड के टाइम विजिट करने का ये फ़ायदा है, आराम से विजिट करो, कैसे मर्जी आपको, कोई भीड़ नहीं है। नहीं तो आप कहीं जाते हो तो जल्दी चलो 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 जल्दी, भीड़ ये वो कुछ नहीं कर पाते आप। हम मैं आराम से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है, आराम से जितना टाइम मैं लगाना चाहता हूँ उतना टाइम लगा रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, इतनी भीड़ होती है ढंग से वीडियो भी शूट नहीं होती, और जल्दी जल्दी में सब कुछ निकल जाता है। अब ये टेंपल तो विजिट कर लिया है, अब धीरे धीरे नए टेंपल डिस्कवर हो रहे हैं। पहले मैंने कहा था एक ही टेंपल में जाएंगे, अभी ये टेंपल डिस्कवर हो गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर सामने आपको अगर दिख रहा है तो वहाँ पर एक टेंपल है, वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो वो टेंपल है, हम वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लग रहा है वो थोड़ा दूर है और मैं थक चुका हूँ, पूरी अच्छी गंदी तरीके से नींद आ रही है, सही बताऊँ तो मैं आपको बिल्कुल थक चुका हूँ। ये जो पीछे भाई आ रहे हैं, ये मुझे मेरे साथ पोखरा से आए हैं, ये काठमांडू से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, इनका नाम हिमांशु है। इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है यहाँ आकर। आप सोच रहे होंगे कि अकेले विजिट करने में मज़ा नहीं आता होगा, तो मैं आपको बता दूँ इतना मज़ा आता है ना अकेले विजिट करने में, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं इतने दिन से नेपाल में अकेला हूँ, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेला नेपाल में घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मेरे लोगों से बात करना मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे को नए नए लोग मिल जाते हैं। मैं बस में भी
सभी लोगों से बात करता आया हूँ। पहले बस जब चली नहीं थी उससे पहले जो बस के ड्राइवर थे और जो टिकट काउंटर वाले लोग थे उनसे बात कर रहा था, और यहाँ पर भी जो मोनेस्ट्री में लोग हैं उन सब से मैं बात करके जाता हूँ अच्छे से। ऐसे नहीं है कि 5 मिनट आए और चले गए। अच्छा लगता है यार, यहाँ के जो जो टेस्ट है, जो नेपाल का टेस्ट लेना है तो आप अकेले आओ तभी मज़ा आएगा। यहाँ देखो इस पे भी लोगों ने वो लिख रखा है, लोग इसको भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ इस पे भी लिख देते हैं। देखो आई लव कुछ लिखा हुआ है। देखो इन जो भगवान की मूर्ति है उसको भी लोग नहीं छोड़ते हैं कि ये देखो आरती संदेश बीच में दिल बना रखा है। कुछ भी यार, लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं सोच भी नहीं सकते आप। अभी अभी रात के 9:30 हो चुके हैं, मैं मुक्तिनाथ से वापस आ गया था। वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ से कोई और जगह है ही नहीं घूमने के लिए, तो मुक्तिनाथ हमने अच्छे से घूम लिया था। वहाँ पर वहाँ से एक गाड़ी वापस आ रही थी तो हम उसके साथ बैठकर यहाँ जुमसुम वापस आ गए थे। तो इतना थक चुके थे ना, इतना थक चुके थे बिल्कुल भी एक रात से पूरा सोए नहीं थे। मैं आते ही यहाँ पर रूम मिला और रूम में मिलते ही सो गया, और अभी 9:30 बजे हैं और अब मेरी नींद खुली है। और अब मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। ये जो रूम है ये हमने कॉमन रूम लिया है क्योंकि मेरे साथ एक और था बंदा, तो हमें 500 रुपये में ये पूरा रूम मिल गया है, 500 नेपाली रुपये में। और यहाँ पर आंटी ने रोटी भी बना दी है। यहाँ जो बूढ़े से अंकल का होटल है उनकी जो वाइफ थी उन्होंने खाना भी रोटी सब्जी बना दी थी, आलू की सब्जी और रोटी बना दी थी, और अचार के साथ हमने डिनर भी कर लिया है। अब फिर से देखते हैं क्या करते हैं। नींद तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, वैसे पक्का नहीं है क्या करूँगा अभी, देखते हैं। सोएंगे और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और मैंने सोचा था कि कैंपिंग करने का, सिर्फ सोच ही सकते हैं यहाँ कैंपिंग करने का, कर नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना बाहर, इतनी इतनी ज़्यादा ठंड, बाहर निकलने का मन नहीं करता। बाहर जाते हैं ना तो हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, इतने ठंडे हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कहाँ कैंपिंग होगी यार, छोड़ो होटल में ही रुक जाते हैं, आगे कहीं देखेंगे, क्या पता काठमांडू में या फिर कहीं और कहीं देखेंगे कैंपिंग का। मन तो पूरा है मेरा कैंपिंग करने का, लेकिन मुश्किल लग रही है मुझे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग 6 बजे के बाद बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो कैंपिंग तो बेवकूफ़ी होगी कैंपिंग करना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आपको जुमसुम दिखाऊंगा, और कल शायद मैं जुमसुम रुक के परसों यहाँ से निकल जाऊँ, सीधा डायरेक्टली काठमांडू निकलूँगा। ओके बाय बाय।